जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। आज गुरु जी के आदेश से मैं एक छोटा सा सत्संग सुना रहा हूँ, जो कि गुरु जी ने कैसे हैं मुझे गाय बाइक दिलवाए। जुलाई की बात है, जुलाई 2020, भागलपुर से पटना ज्वाइन कर लिए थे और पटना कोरोना काल के कारण गाड़ी सवारी में बहुत दिक्कत होती थी कहीं जाने के लिए, तो सोचे कि एक सेकेंड हैंड बाइक भी अगर मिल जाए तो ले लेंगे, क्योंकि थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तो मैं घर गया और आंटी से बोले कि वहाँ पटना में जो है दिक्कत हो रहा है कि अगर बाइक रहता तो ड्यूटी करने में और घर आने जाने में भी थोड़ी सुविधा होती। आंटी बोली कि चलिए कुछ पैसे हैं, देखते हैं बात करके। तो हमारे संगत जी हैं सौरभ जी पटना में ही बैंक में, तो उनसे मैं बात किया कि ऐसी से बात है, इतने पैसे हैं मेरे पास और चाहते हैं कि गाड़ी ले लें। तो बोले कि हाँ आइए ना से, आपको बैंक द्वारा ये करवा देंगे, आप सरकारी सेवा में हैं ही, आपको गाड़ी दिलवा देंगे। ठीक है, फिर गुरुजी क्या करने वाले हैं ये कौन जानता है। घर पर ही आंटी से बोले कि चलिए इसे यहाँ शोरूम में गाड़ी पसंद कर लेते हैं, उसके बाद अंकल बोले ही हैं वहाँ जाएंगे तो फाइनेंस करवा लेंगे। जब शोरूम में गए गाड़ी देखने के लिए तो गाड़ी पसंद आ गई और जब बोले फाइनेंस के लिए कि हमें फाइनेंस करवाना है, तो गाड़ी का दाम जो है ऑन रोड फाइनेंस वाला गाड़ी बोला 1,29,000 कुछ रुपये पड़ेगा, और पूछे कि नगद कितना पड़ेगा तो बोला 87,000 कुछ रुपये पड़ेगा। तो हम लोग के पास करीब 25,000 रुपये थी, कहिए अब कैसे होगा। तो हमें ये पता नहीं था कि गुरु जी आज गाड़ी हमें दिलवा देंगे, हम तो सोच ही रहे हैं कैसे लेंगे। फिर याद आया कि मुजफ्फरपुर में एक आदमी से कुछ देखते हैं, उनसे बात करके अगर दे देगा तो ले लेंगे। हम फोन किए वहाँ कि अंकल इसी से बात है, से हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है। बोले कितना, हमके 1,00,000 रुपये चाहिए। कहा हाँ हाँ दे देंगे, लेकिन अभी तो तुरंत ट्रांसफ़र के लिए 1,00,000 तो मोबाइल से नहीं होगा, हम 49,000 अभी कर दे रहे हैं, 49,000 कर देंगे। 49,000 तुरंत वहाँ से वो मोबाइल पर भेजे, हम वहीं 50,000 रुपया शोरूम वाले को ट्रांसफ़र किए। वो बोले कि ठीक है, जो गाड़ी पसंद की है बोलिए, वो गाड़ी निकाल देते हैं। गाड़ी जो पसंद किए थे बोले वो वाली गाड़ी निकाल दीजिए। गाड़ी निकाल के उसमें कुछ पार्ट पुर्जा वो शोरूम में उसको फिट करते हैं, उसके बाद गाड़ी बाहर निकलती है। तो जो गाड़ी हम पसंद किए उसको निकाल के मिस्त्री अपना काम करने लगा। इतने में मेरी बेटी और मेरी आंटी दोनों गाड़ी को देख रही थी, तो इतने में नज़र पड़ा मेरी बेटी का और कि पीछे जो है गाड़ी का सीरियल नंबर 7 है। वो मम्मी को बोली, आंटी हमें बोली कि आप तो गाड़ी कुछ देख के निकलवाए हैं। कि नहीं, हम तो बस कलर पसंद किए कि ब्लू ब्लैक है, वो बोली अच्छा लग रहा है तो उसको निकाल लो।
आगे चलिए गए, जब पीछे देख रहे नंबर प्लेट पर जो सीरियल लिखा हुआ था ओनली 7 लिखा हुआ था। बस हम लोग तो समझ ही गए कि गुरुजी हम तो सेकेंड हैंड गाड़ी लेने के लिए ये कर रहे थे, आप जो है साक्षात खड़ा होकर के हमें नई गाड़ी दिलवाए और सामने खड़ा होकर दिलवाए, जो कि हम तो नहीं देख पाते हैं कि गुरुजी हमारे साथ में हैं, लेकिन गुरुजी हमारे साथ में रहते हैं। उस दिन प्रूफ कर दिए, हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था कि हम गाड़ी खरीद लिए और गाड़ी पर का सीरियल नंबर 7 है। तो ऐसे है गुरुजी कि जो मन में इच्छा होती है अगर वो आपके लिए भला है मेरे लिए भला है तो गुरुजी जरूर उसको पूरा करते हैं और स्वयं खड़ा होकर पूरा करते हैं। ये चीज़ किए, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और एक छोटा सा सत्संग है, अभी 2021 जनवरी की बात है, बहुत दिन से सोच रहे थे कि ये मंदिर खुलेगा तो दर्शन करने जाएंगे। जनवरी में 3 तारीख का एक मोबाइल पर बैठे थे, सर्च कर रहे थे और मन हुआ कि देखते हैं दिल्ली का टिकट अगर मिल जाता है जनवरी में तो जाएंगे। सर्च करते करते 27 जनवरी का सीट कंफर्म मिल रहा था, तो मोबाइल से ही हम 27 जनवरी का डेट टिकट बुक कर लिए, बुक कर लिए। उसके बाद आंटी को कुछ दिन बाद बताया कि इसे है कि दिल्ली के लिए हम टिकट बुक किए हैं, गुरु जी के मंदिर जाना है। बोली कि जाइएगा तो छोटे वाले लड़का नहीं गया है उसको ले जाइए, तो भी गुरु जी के मंदिर जाके गुरु जी के दर्शन कर लेंगे। ठीक है, उसका भी टिकट कटवा ली, लेकिन उसको वेटिंग मिला। तो 27 तारीख के आने का विक्रमशिला एक्सप्रेस में करवाए और 30 तारीख के वापसी के लिए संपूर्ण क्रांति में मिल गया, उसमें भी मेरा कन्फर्म मिल गया और लड़का का वेटिंग क्योंकि बाद में कटवाए थे। इस बीच में मेरा बच्चा जो है बड़ा वाला वो पढ़ता है कोचिंग में, वहाँ पर फीस जमा करना था। तो फरवरी मार्च का सर महीना जो है थोड़ा सा हम लोग सरकारी सेवक हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है, तो सोच ही रहे थे कैसे क्या होगा और उसका फीस भी देना है और इस बीच से सब कुछ करना है। इससे पहले जब भी भागलपुर में हम लोन लिए थे बैंक से, तो वहाँ पर एक बुक दिया जाता था बैंक के द्वारा, उसको भरना है, उसमें जो भी ऑफिशियल पेपर लगता है सब लगा के फिर साइन करा के तब बैंक में जमा किया जाता था, तब मिलता था। लगभग उसमें 10 से 15 दिन तो लग ही जाना था कम से कम। लेकिन 21 तारीख की बात है, 20 जनवरी की बात है, 20 जनवरी 2021 हम बैंक में गए, कहे कि जाते हैं नया जगह है, जान पहचान तो है ही नहीं, हमारे यूनियन के एक सदस्य हैं उनको हम बोले कि थोड़ा ऐसे से बात है बैंक में कुछ काम था, बोले कि जाइए से बात कर लीजिए जैसा होगा बताइएगा दिक्कत होगा तो। बैंक में गए, डायरेक्ट मैनेजर साहब से मिले और उनको बोले कि सर हम भागलपुर से बदल के आए हैं और मेरा जो है से अकाउंट भी भागलपुर है और हम चाह रहे हैं कि अकाउंट भी ट्रांसफ़र हो जाए और कुछ अगर लोन मिल जाता तो मेरा काम हो जाता। बोले कि ठीक है हो जाएगा। वो तुरंत एक कर्मचारी को बुलाए और बोले कि इनका देखिए योनो है कि नहीं मोबाइल में। बोले कि सर योनो तो नहीं है। बोले कि योनो कीजिए। वो महिला कर्मचारी तुरंत, मुश्किल से लगा कि 5 से 10 मिनट लगा होगा,
वो यूनो लोड करके मेरा अकाउंट ट्रांसफर कर दिया वहीं पर। पहला दिन 20 तारीख को ही मेरा अकाउंट ट्रांसफर बैठे बैठे 10 मिनट में भागलपुर से पटना हो गया। अब मेरे साहब को बोले कि सर कुछ लोन कही कीजिए, कितना लोन चाहिए हमें, सर मिल जाता तो काम हो जाता। बोले कि ठीक है, हम कहे सर क्या पेपर चाहिए, ताकि जो पेपर लगता है आधार पैन और अपना सर्विस ये वेतन सैलरी स्लिप ये सब देना होगा। हम कहे सर कितना दिन लग जाएगा, ठीक है आप दीजिए तो। हम क्या जाने कि गुरुजी सब प्लान किए हुए हैं और हम तो घूम रहे हैं कि जे कैसे होगा क्या होगा। 20 तारीख को उसी से पॉकेट में आधार पैन था ही, और उनके कल हो के ये करेंगे। फिर 21 तारीख को जो है हम ऑफिस गए, ऑफिस से सैलरी स्लिप लिए और आधार पैन फोटो करा के दे दिए। ना बुक भरवाया गया हमसे, ना किसी का साइन करवाया गया, ना गवाह लिया गया, जो कि इससे पहले जितना भी लोन लिए थे उसको कराया गया था। लेकिन उस दिन कुछ नहीं, बस आधार पैन सैलरी स्लिप दिए और बोले कि कल आइएगा एक टिकट साट के आप चले जाइएगा, कुछ साइन आपके लगेंगे और काम हो जाएगा। 21 तारीख को जमा करके हम चले आए और संयोग से उसी दिन हाजीपुर में सुमन आंटी रहती है उनके यहाँ सत्संग था, उनका जन्मदिन था तो उस दिन सत्संग रखी हुई थी। तो बोली थी कि जब आप लोग आ जाते तो अच्छा रहता, कि गुरु जी का सत्संग है तो जरूर जाएंगे हम और मेरी आंटी और मेरी बेटी आंटी, तीनों आदमी हम लोग गए वहाँ सत्संग में गए। उसके बाद रात में रुके, बोले कि रात हो गई है ठंडा का समय है, बाइक से आए हैं आप लोग, रात में रुक जाइए सुबह चले जाइएगा। सुबह आए आंटी लोग को घर पर छोड़े और सीधे बैंक गए। बैंक गए वहाँ बोले कि ठीक है से रुकिए, तुरंत हमसे साइन करवाया गया, बोला एक फ़ोटो दे दीजिए, एक फ़ोटो दे दिए, जो टिकट का चार्ज होता है टिकट का चार्ज दिए, बोले जाइए शाम तक लोड हो जाएगा। हमें विश्वास नहीं था कि लोड हो जाएगा, कि दो दिन में, पहले कहाँ था 15 दिन में भी उतना ऑफिस का चक्कर लगाना और यहाँ 2 दिन में बिना कहीं गए हुए लोन हो जाएगा। लेकिन शाम में 7 बजे हमें मैसेज आ गया कि आपका पैसा लोड हो गया और हम तो क्या कहें गुरुजी, करते तो सब गुरुजी हैं लेकिन पता नहीं चलता है, हम लोग मनुष्य हैं इतना करते हैं गुरुजी, फिर भी ध्यान यहाँ वहाँ भटकते रहता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम उस दिन गुरुजी मेरा 20 तारीख के बैंक गए, 22 तारीख को दूर कर दिए। 2 दिन में जो भी मिलना चाहिए था उससे अधिक ही मिल गया। लड़के का ट्यूशन में भी जमा कर दिए, जहाँ रहते हैं वो भी कर दिए। उसके बाद हुआ कि जाना है 27 तारीख को, यहाँ दिल्ली के लिए टिकट था। 27 तारीख के सुबह में हमें मैसेज में जब सर्च किए अपने लड़के का वो टिकट वेटिंग जो था तो दिखा रहा है कि वो गाड़ी कैंसिल हो गई। अब कहें अब कैसे होगा। और 29 तारीख को जो है यहाँ बड़े मंदिर जाना था, क्योंकि वहाँ तो बिना पास के जाया नहीं जाता है, तो वहाँ 29 तारीख को जो है मेरा पास बना हुआ था कि 29 तारीख को बड़े मंदिर जाना है। फिर वहाँ से हुआ कि अब कैसे जाएंगे, कि ट्रेन कैंसिल हो गई। फिर स्टेशन गए, स्टेशन में एक हमारे मित्र थे उनको बोले कि इसी से बात है, हमको जाना बहुत ही ज़रूरी है, तो एक टिकट जो एक प्राइवेट से काटते हैं उनसे बात किए, बोले कि ठीक है दीजिए जो कैंसिल करना है वो टिकट और जाने के लिए हम देखते हैं कौन सा ट्रेन में है। तो हम तो आ रहे थे विक्रमशिला से, लेकिन हम क्या जान रहे थे कि गुरुजी हमें राजधानी से दिल्ली ले जाना चाह रहे हैं। 11 बजे उनको हम टिकट और जो टिकट का चार्ज अलग से देना था हम दे करके चले आए।
3:30 बजे हमें मैसेज मिला कि राजधानी एक्सप्रेस में मेरा और मेरे लड़के का टिकट दिल्ली के लिए कंफर्म मिल गया। और क्या कहें, गुरुजी को बुलाना था, एक दिन में टिकट कंफर्म मिल गया। इसके लिए गुरुजी का जितना भी शुक्राना, जितना भी धन्यवाद किया जाए, बहुत कम है, बहुत कम है। फिर दिल्ली आए, आज गुरुजी आज बड़े मंदिर बुलाए, दर्शन दिए, कड़ा प्रसाद खिलाए और आज सत्संग करने का भी मौका दिए। गुरुजी हमारे ऐसे ही हैं कि जो भी प्रॉब्लम हो उनको तो पहले से पता है। हमें नहीं पता था कि 27 तारीख मेरा टिकट कैंसिल होगा और हम ये ट्रेन नहीं राजधानी से जाएंगे और इस बीच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगा। अगर वो पहले से प्रॉब्लम दूर नहीं होता तो शायद राजधानी का टिकट भी हम नहीं कटा पाते। तो ऐसे ही गुरु जी कि पहले से सब व्यवस्था करके रख दिए थे कि उस समय कोई दिक्कत हमें ना हो वहाँ बड़े मंदिर जाने में। और गुरु जी ने जितने भी रुकावट थी सबको दूर करके हमें आज बड़े मंदिर बुलाए और दर्शन दिए। इसके लिए गुरु जी का शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना दाता, अनंतम शुक्राना। जय गुरु।